मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। नमस्कार दोस्तों, एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जो बेस्ड रहेगी आपकी करंट अफेयर्स पर। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, एचएसएससी, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आजकल जिसमें क्या है, एक करंट अफेयर एग्जाम्स में बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करने लगी है। अगर हम बात करते हैं सिर्फ करंट अफेयर्स की नहीं, स्टैटिक पोर्शन की भी, तो वो भी आजकल क्या है, करंट अफेयर्स में से ही कहीं से ना कहीं क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जैसे एग्जाम्पल में दे देती हूँ कि एक क्वेश्चन आया था, अयोध्या जैसे बहुत विवादित क्षेत्र रहा था, तो पूछा गया था कि अयोध्या कौन सी नदी पर है। तो जब भी ऐसे कुछ शहर होते हैं या जो विवादित मतलब रहते हैं कुछ एक ना कुछ, वहीं से अगर कोई जो स्टैटिक पोर्शन कवर होता है वो वहीं से करता है एग्जामिनर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लास समरी क्या कुछ रहने वाली है, क्या कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, मोटिवेशन कोट एक बेहतरीन से विचार के साथ हमारी क्लास की और दिन की शुरुआत। उसके बाद बच्चों, अगर हम बात करते हैं, आपका डाउट सेशन रहेगा, देन इंपॉर्टेंट डेज क्वेश्चंस रहेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगस्त मंथ चल रहा है, तो अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट जितने भी डेज रहे हैं, हम डेली अगस्त मंथ तक डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 दिन का एक टॉपिक रहता है, एक दिन कल आपका हो गया था, आज इसका दूसरा दिन है, जिसमें क्या है, हर 3 दिन के बाद ये टॉपिक चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज फॉर्म क्वेश्चन। आज क्लास में शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज है बच्चों, क्या रहेगा, मैंने एक चीज देखी है, जैसे हम नोटिस करते हैं, आज हमने जो करंट अफेयर पढ़ी, कल ही वो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन उसके डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो 10 to 15 आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर बेस्ड रहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी कोई अगर एग्जाम आता है, तो अगर बात करें लास्ट के 8 to 10, 8 से 10 महीनों की करंट अफेयर पूछी जाएगी, तो वही हम क्या करेंगे, इन 10 से 15 क्वेश्चंस में डेली डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, आज के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आज का होमवर्क क्वेश्चन, सबसे पहले जो आपको होमवर्क कल मिला था उसका आंसर, और उसके बाद क्या होगा, आज का एक नया होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन अलग से रहेगा, और जो पहले के 10 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके अलग से रहेंगे, उसके आंसर्स आपको करने हैं। आज साथ सिर्फ आपको क्या करना है, खुद को जज करना है कि आपको पिछला कितना रिवाइज है। कल क्या करेंगे, हम उन 10 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे, और कल से वही रेगुलर प्रॉपर क्या होगा कि आपको आंसर्स विद क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आज सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको एज एन वो होमवर्क दिए जा रहे हैं कि आपको पिछले, ऑलमोस्ट ये ज्यादा पुराने नहीं है, हम बात करें तो ये मई मंथ की जो करंट अफेयर रही थी उस पे बेस्ड रहेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों डाउट सेशन की, ऑलमोस्ट किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं था, अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट डेज। देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1 अगस्त की, 1 अगस्त को आपका रहता है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। 2 अगस्त की बात करते हैं, तो जो हर बार 2 अगस्त को नहीं होता है, 2020 में ये 2 अगस्त को रहा था, जो अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है फ्रेंडशिप डे, जो इंडिया में हमारे प्यारे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। यहां से आपको याद रखना है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, ये आपका कब रहता है बच्चों, ये आपका रहता है 30 जुलाई को, 30 जुलाई को रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 3 अगस्त को, इस बार 2 मोस्ट इंपोर्टेंट डेज रहे थे, एक रहा था रक्षाबंधन, दूसरा रहा था विश्व संस्कृत दिवस, अगर बात करें वर्ल्ड संस्कृत डे की। ठीक है, अब रक्षाबंधन 3 अगस्त को था, ऑफ कोर्स वो हर बार 3 अगस्त को नहीं होता है, और उसी तरह जो आपका संस्कृत दिवस मनाया गया था वो भी हर बार 3 अगस्त को नहीं होता है, वो सावन महीने की पूर्णिमा को होता है, श्रवण पूर्णिमा को होता है, ध्यान में रखना है। 4 अगस्त की बात करें, तो यूएस कोस्ट गार्ड और इंडिया कोस्ट गार्ड आपके चीफ कौन है, के नटराजन सर है, यहां से इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद 6 और 9 दो तारीख जापान पर जब क्या किया था यूएस ने, जब बम गिरवाए थे, कौन से, अगर बात करते हैं हिरोशिमा और नागासाकी, उसी में हिरोशिमा आपका कब रहता है 6 अगस्त, और नागासाकी की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका कब रहता है बच्चों, वो रहता है 9 अगस्त, ये 2 तारीखें आपको याद रखनी है। ठीक है, 6 अगस्त को आपका हिरोशिमा डे रहा। उसके बाद 7 अगस्त को अगर हम बात करते हैं नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है आपका, 7 अगस्त को रहता है। 8 अगस्त को आपका रहता है क्विट इंडिया मूवमेंट डे, अगर बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, वो आपका कब रहता है, 8 अगस्त को रहता है। उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी डे तो आपका हो ही गया है। उसके अलावा एक दिन रहता है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगी इस बार का विषय, मतलब इस बार का, इस दिन का थीम क्या रही थी, वो रही थी COVID-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रेजिलियंस। ओके, 10 अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे रहता है, और इस बार की जो थीम थी, विषय था, वो था बायोफ्यूल टुवार्ड आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद 12 अगस्त की हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल यूथ डे रहता है। यहां से बच्चों कुछ एक चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, एक यूथ डे से आते ही आपको 2-3 डेज एक साथ याद रखने हैं, लाइक इंटरनेशनल यूथ डे आपका कब रहा, 12 अगस्त को रहा। 2 तारीखें और लिख लो, 12 जनवरी और 15 जुलाई।
ठीक है, 12 जनवरी को आपका रहता है नेशनल यूथ डे और 15 जुलाई को आपका रहता है नेशनल यूथ स्किल डे। जो बच्चों अगर हम बात करते हैं इससे पहले की, तो 12 जुलाई भी आपको याद रखना है मलाला डे रहता है, उसी के साथ 18 जुलाई को 2% के डेज रहते हैं 18 जुलाई को, 18 जुलाई को आपका नेल्सन मंडेला डे रहता है। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांस है, क्योंकि इस बार क्या था, नेल्सन मंडेला अवार्ड दिए गए थे, 2% को मिले थे मॉरिसेना और मैरियाना कुआते, ठीक है, मॉरिसेना और मैरियाना कुआते, ये 2% वो रहे जिन्हें 18 जुलाई को अवार्ड दिया गया था, सम्मानित किया गया था। क्यों किया गया था, नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उस दिन नेल्सन मंडेला दिवस रहता है, ठीक है। उसके बाद 13 अगस्त की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे रहता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे रहता है, 19 अगस्त की बात करें तो दो दिन रहते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और वर्ल्ड ह्यूमेनिटेरियन डे, 20 अगस्त की बात करें तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे, इंडियन अक्षय ऊर्जा डे और सद्भावना दिवस रहता है, 23 अगस्त को दो दिन रहते हैं, एक इंटरनेशनल रहता है एक यूरोपियन डे रहता है। इंटरनेशनल डे कौन सा रहता है बच्चों, जो आपका स्लैब ट्रेड एंड इट्स एवोल्यूशन है वो आपका रहता है, और दूसरा जो यूरोपियन डे रहता है वो रहता है जो विक्टिम्स रहे थे स्टैलिनिज्म और नाजीज्म के, उनके लिए, दोनों की रिमेम्बरेंस में रहता है, ठीक है। 26 अगस्त को आपका वुमेन इक्वालिटी डे रहता है, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे रहता है, और लास्ट 30 अगस्त को आपका कौन सा डे रहता है बच्चों, स्मॉल इंडस्ट्री डे रहता है, ठीक है। यहां से इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके तीन दिन हम डेली डिस्कस करते हैं टॉपिक, जो आज का, कल हमने भी ये डिस्कस किया था, आज इसका दूसरा दिन है, कौन सा रहा बच्चों, देखिएगा ये योजना रही डेली। अब हम क्या करेंगे, सेंटर की कुछ एक योजनाएं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है डेली, हम वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से सेंट्रल की जो स्कीम्स आती हैं डीप में क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ओके। तो देखिएगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना, अगर हम बात करते हैं इसके लॉन्च की, कब शुरू की गई थी, 12 जनवरी 2015 को, किसने स्टार्ट की थी, पीएम नरेंद्र मोदी सर ने, कहां से की थी, पानीपत हरियाणा से की थी, ओके। उसके बाद ये पार्ट, लाइक सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना कौन सी स्कीम का पार्ट रही है, एक जो ऊपर स्कीम रही उसके अंडर एक ये पार्ट है, तो जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उसी के अंडर ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। उसके बाद लाइक अगर हम बात करते हैं इसमें, जैसे हमने बात की एक अकाउंट ओपन किया जाता है, तो ओपन सबसे पहले तो याद रखना है जो मिनिमम इसमें रखा जाता है कि आप कम से कम इतनी राशि देकर ही अकाउंट खुलवा सकते हो, तो वो है 250 रुपए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये लड़की की, मतलब अगर एग्जाम्पल करें बेटी के नाम पर और उसकी उम्र 10 साल तक है तभी ये अकाउंट खुल सकता है, ठीक है। बेटी क्या होनी चाहिए आपकी, 10 साल या 10 साल के अंडर होनी चाहिए तभी अकाउंट खुलेगा, दूसरी आपको कम से कम 250 रुपए की राशि देकर वो खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब हुआ कि आपने अकाउंट खुलवा लिया है, अब उसके बाद डिपॉजिट मतलब कैसे डिपॉजिट करना है, तो याद रखिएगा इसके 100 के मल्टीपल, 100 के मल्टीपल कैसे होते हैं, लाइक 200 हो गया, 1000 हो गया, 10000 हो गया, 15000 हो गया, ऐसे जो 100 के मल्टीपल रहेंगे वही अमाउंट आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। ये नहीं है कि आज आपके पास 233 रुपए हैं भी आज हम ये जमा करवा देते हैं, ऐसा नहीं रहेगा, 100 के मल्टीपल होने चाहिए, चाहे वो 200 ही रुपए हैं, ठीक है। और दूसरा कितना मैक्सिमम, मतलब 250 रुपए तो ओपन करवाने के लिए, और कम से कम मतलब ज्यादा ही ज्यादा कितना अमाउंट इसमें डिपॉजिट करवा सकते हो, 1.5 लाख रुपए करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद विदड्रॉल, अब हमने डिपॉजिट करवा दिया भी, अब इसकी विदड्रॉल मतलब अगर हम चाहें कि हमें नीड है पैसे की, तो इसकी विड्रॉल जो स्कीम है वो क्या रहती है, तो सिंपल सी रहती है, आपने अपनी बेटी के नाम वो खुलवाया है, तो जब आपकी बेटी 18 साल की होती है या उसकी हायर एजुकेशन, फॉर एग्जांपल उसकी प्लस टू 10th के बाद, 10वीं के बाद 11वीं 12वीं और आगे एजुकेशन पर आजकल बहुत, जैसे आपको पता है, एक्सपेंस होते हैं, तो उसी के लिए आपने जब तक उसकी हायर एजुकेशन तक जितना अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया है, फॉर एन एग्जाम्पल आपने 80,000 जमा करवा दिए हैं उसकी 18 साल की उम्र तक, तो आप इसका 50% मतलब कितना 40,000 रुपए उसके हायर एजुकेशन के लिए निकलवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कितना 50% उसकी हायर एजुकेशन के लिए। और अगर हम बात करते हैं इसके मैच्योरिटी की, कि मैम ये अकाउंट ओपन करवा दिया क्या ये पूरे लाइफ टाइम तक चल सकता है, नहीं बेटे ऐसे नहीं होता है। क्या होता है कि आपने अपनी बेटी के नाम खुलवाया, चाहे सपोज कीजिए वो 5 साल की थी जब आपने वो अकाउंट खुलवाया है, उसके 21 साल बाद लाइक 26 साल की जब आपकी मतलब वो बेटी हो गई है तब तक का वो मैच्योरिटी पीरियड रहता है। सिंपल सा रहा, 21 साल ये अकाउंट क्या रहता है, इसकी मैच्योरिटी पीरियड रहता है। इतनी चीजें याद रखनी है। अब यहां से कि मैम अकाउंट डिपॉजिट करवाया हमें इंटरेस्ट रेट मतलब हमें फायदा क्या है, तो देखिएगा इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहता है। फिलहाल का आपको याद रखना है ये वो अमाउंट्स हैं जो क्या थे 2015 से शुरू होकर अब तक 2020 में जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हुए हैं मतलब चेंज हुए हैं, तो अब जो चल रहा है वो इंटरेस्ट रेट है 7
7.6%। आपको इतना ध्यान में रखना है, बाकी अभी ये याद नहीं करना है। सिंपल सा इसका वे रहता है, जिस दिन आपका एग्जाम हो ना उससे पहले आप अदर तैयारी तो फुल रखो, लेकिन जो रेट्स होती हैं लाइक जो आरबीआई की रेट्स हो गई हैं, रिजर्व रेशियो रेट हो गई है, रिवर्स रेपो रेट्स हो गई हैं, और ऐसी जो रेट्स जो आपको याद करनी होती है कि इसके अंडर कितना हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो क्या करनी होती है, एग्जाम से 4 दिन पहले अप टू डेट आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, उससे पहले याद करने का कोई फायदा नहीं होता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम मूव करते हैं बच्चों आज के 10 वो क्वेश्चंस जो आपको करने हैं, 10 के 10 आपको देखने हैं। ये मई मंथ के ऑलमोस्ट क्या है, करंट अफेयर बेस्ड रहेंगे, कल हम इनके आंसर डिस्कस करेंगे। आज का सिंपल ये आपका टेस्ट रहेगा 10 क्वेश्चंस का, बाकी कल से हमारा वही रूटीन रहेगा विद हम आंसर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, उस सहकारी बैंक का नाम बताइए जिसका लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब अगर हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी उसके 25th गवर्नर कौन है बच्चों, शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, इतनी चीजें याद होंगी आपको। 1 अप्रैल 1935 में यह बना था, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आरबीआई ने भी क्या किया है, बैंकिंग व्यवसाय में ले जाने के लिए रद्द कर दिया है। आरबीआई के पास अथॉरिटी होती है कि वो लाइसेंस रद्द कर सकता है। अब ये 5 ऑप्शन रहे, 5ों में कौन सा है, एक बैंक वो है जिसका अभी हाल ही में क्या किया था आरबीआई ने, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया था बिकॉज ऑफ क्या, कि हम जो आरबीआई गाइडलाइंस देता है कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, जब वो फॉलो नहीं कर पाता कोई बैंक तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, यही इसके साथ भी हुआ था। अब आपको बताना है कि वो कौन सा बैंक रहा कि जिसका लाइसेंस रद्द हुआ, और उस बैंक से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन लाइक उसका हेडक्वार्टर कौन है, हाल ही में उसके चीफ कौन है, ये 2-3 चीजें आपको देखनी है विद आंसर, आपको क्या करना है आंसर करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ऑन विच डे, अगर हम बात करते हैं डेज के नहीं मई मंथ की, ऑन विच डे द हैंड हाइजीन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मोबिलाइज पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू इंक्रीज अडहेरेंस टू हैंड हाइजीन इन द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हिंदी वाले बच्चे देखिएगा, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में हाथ की स्वच्छता के पालन को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में लोगों को जुटाने के लिए हर साल हाथ स्वच्छता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑलमोस्ट बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो अभी ये डे सुन रहे होंगे कि ऐसा भी कोई डे होता है, और यही ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों। हाल ही में जैसे पीछे एग्जाम हुआ था उसमें पल्सिस डे पूछा गया था, आप आंसर कीजिएगा कि पल्सिस डे, पल्सिस क्या होती है, एक दाल होती है, ठीक है, दाल का नेम है ये, तो उसी पर एक डे मनाया जाता है जो क्वेश्चन में आ गया था। क्वेश्चन एग्जाम कब था आपका, नवंबर में था, और वो आगे मनाया जाता है तब भी पूछ लिया था, वो हाल ही में कहीं गया नहीं था फिर भी पूछा था। तो बस आपको यहीं से इतना बताना है, ये मई मंथ का रहा है जैसे आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे, तो आपको बताना है हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 3 भारतीय पत्रकारों को किस श्रेणी में 2020 के पुलित्जर प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिंपल सा रहा, सबसे पहले तो आपको उन 3 भारतीय पत्रकारों के नाम तो बताने ही है, और अब इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है भाई, ये रीजन आपको बताना है, किस प्राइज से किया गया है, जो पुलित्जर प्राइज रहता है उससे सेल क्या किया गया था, इन्हें सम्मानित किया गया था। और सिंपल, ये 3 भारतीय पत्रकार ही क्यों चुने गए थे, जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ था उस टाइम आपको पता है वहां सब कुछ बंद था, इंटरनेट सुविधाएं, किसी का आना जाना सब, लेकिन ये 3 पत्रकार ऐसे थे जहां पर उन्होंने लाइव टेलीकास्टिंग किया था जब वो विभाजन हुआ था, उस टाइम की हर एक चीज उन्होंने लाइव दिखाई थी, अपना भेष बदलकर दिखाया था, लाइक वो टोकरी में कैमरा रखे हुए हर एक चीज को सर्विलेंस में रख रहे थे, निगरानी में रख रहे थे, तो उसी के लिए उन 3 पत्रकारों को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, और कौन से प्राइज से, पुलित्जर प्राइज से। तो आपको बताना है इस बार वो जो पुलित्जर प्राइज 2020 का अवार्ड मिला है उन्हें किस श्रेणी में मिला है, लाइक ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, पब्लिक सर्विस, फीचर फोटोग्राफी, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग और लोकल रिपोर्टिंग, ये क्या है पुलित्जर प्राइज के कुछ एक डिफरेंशिएट कैटेगरी श्रेणियां होती हैं जिनमें मिलता है। अब 3ों पत्रकार जो भारतीय पत्रकार हैं उन्हें कौन सी श्रेणी में मिला है आपको बताना है, और विद नेम बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के लिए वीडियो KYC एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देखिए बच्चों, ये इस तरह का इंडिया में ऐसा पहला वीडियो KYC रहेगा कंपनीज और जो कमर्शियल बैंक रहे उनके लिए, व्यवसायिक बैंक रहे। तो आपको सिंपल इतना बताना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है, कि अभी हाल ही में किसने, मतलब कौन सी ऐसी कंपनी रही है जो वीडियो KYC लेकर आई है इंडिया में पहली बार, बैंकिंग के लिए सेक्टर की बात करें और जो वित्त क्षेत्र लाइक जो फाइनेंस सेक्टर रहता है उसके लिए, तो आपको उस कंपनी का नाम यहां से बताना है। नेक्स्ट देखिएगा, मिस्र देश के
टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिस पर कई मैच फिक्सिंग और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में उसकी दोष सिद्धि के बाद पेशेवर टेनिस से टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझा देती हूँ। मिश्र देश रहा, मिश्र देश का क्या है, एक टेनिस प्लेयर था जिस पर कई आरोप लगाए गए थे और वो साबित होने के बाद उस पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध, मतलब उस पर बैन लगा दिया है। अभी मैम यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ऑफ कोर्स बनता है इंटरनेशनल नेशनल से जितने भी गेम से रिलेटेड प्लेयर्स रहते हैं, चाहे वो बैन हुए हों, चाहे वो कोई प्राइज जीत कर लाए हों, चाहे उन्होंने कोई मैच जीता हो या फिर वो रिटायर हुए हों, क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको उस प्लेयर का नाम बताना होगा जैसे इसमें बताना है, या फिर दूसरा आपको उस पर्सन का नेम दिया होगा, उस प्लेयर का आपको बताना होगा कि वो कौन से गेम से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बस इसी में क्या करना है, आपको बताना है मिश्र देश का एक टेनिस खिलाड़ी है इन पांचों में से जिसे हाल ही में बैन किया गया है, किसने, टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसका नेम क्या रहा, NAM, अगर बात करें नॉन एलिगेंट मूवमेंट, संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया, शिखर सम्मेलन का विषय क्या था। यहां से एक क्वेश्चन नहीं बच्चों, दो तीन इंपॉर्टेंट बनेंगे। सबसे पहले तो आपको पता ही लग गया होगा नॉन अलाइंड जो मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेट किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, एक क्वेश्चन कवर हो गया। दूसरा, ये भाई कहां पर हेल्ड हुआ था होस्ट, अगर बात करते हैं मेजबानी कहां पर की गई थी, ये आपको देखना है। और तीसरा आपको बताना है, जैसे कि अब कोई मीटिंग होती है या फिर कोई भी लाइक जैसे अब ये कॉन्फ्रेंस रही तो इन पर क्या रहता है, एक विषय रहता है, इनका एक मोटो रहता है, अगर हम बात करते हैं एजेंडा भी सकते हैं, तो इसी का जो थीम रही थी आपको बतानी है। तो तीन क्वेश्चन यहां से कवर होते हैं, तीनों में से कहीं से भी बन सकता है। अब सिंपल जैसे ब्रिक्स हो गया, एपिक हो गया, एशियन हो गया, इनकी समिट्स होती हैं, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, 99% नहीं बनते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे यहां से कवर करेंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी समिट्स होती हैं। लेकिन जो छोटी छोटी समिट्स होती है ना कहीं और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, क्योंकि एग्जामिनर अब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं, अंदर डीप से खेलने लगा है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब सिंपल रहा नॉन अलाइंड मूवमेंट, सबसे पहले तो होस्ट कहां किया गया था, उसका विषय क्या रहा था, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, ये तीनों चीजें आपको इसके बारे में देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस भारतीय डिस्कस थ्रोअर, मतलब एक गेम रहती है डिस्कस थ्रो लाइक, जिसमें क्या होता है, एक डिस्क होती है आपको वो फेंकनी होती है, ऐसे कुछ गेम रहता है, तो डिस्कस थ्रोअर रहे जिसका नेम बताना है, जिसे विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, अगर हम बात करते हैं बच्चों वाडा की, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसने क्या किया है, इन्हें ड्रग परीक्षण में विफल होने के बाद 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो ये इंडिया के रहे, हाल ही में बैन किए गए हैं, वाडा के द्वारा बैन किए गए हैं, ये वर्ल्ड पर काम करती है और नाडा जो हमारी नेशनल रहती है, ठीक है। तो यहां से आपको सिर्फ उस पर्सन का इन पांचों में से नेम बताना है जो डिस्कस थ्रोअर रहे हैं, इंडियन प्लेयर रहे हैं और हाल ही में बाडा द्वारा क्या किए गए हैं, बैन किए गए हैं, बिकॉज वो क्या हो गए थे, अपने ड्रग जो डोपिंग क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनमें फेल हुए थे, आपको उनका नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस देश का नाम बताइए, उस कंट्री का नेम बताना है जिसने वर्ष 2020 में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए आर्कटिका M नामक फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया है, ठीक है। सिंपल सा आपको बताना है, इनमें से एक क्या रहा, एक आर्कटिका रहा, M आर्कटिका M एक ऐसा क्या रहा बच्चों, आपका आर्कटिका क्लाइमेट और एनवायरनमेंट चेक करने के लिए सैटेलाइट रही है, जो पहली बार किसी देश ने क्या की है, लॉन्च की है। अब आपको यहां से ज्यादा कुछ नहीं, डिटेल में ये नहीं देखना कि ये क्यों की गई है, हमें सिर्फ वहां पर ऑप्शंस टिक करने होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन यही बनेगा, जो आर्कटिका एम है सैटेलाइट, वो कौन से देश की रही, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है इसमें, आर्कटिका एम कौन से देश की रही, सिंपल आपको यहां से ये बताना है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर बात करते हैं ऑन विच डे द इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, यहां पर अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा मिडवाइफ वर्ड को मैं कर देती हूँ, जिसे ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं देसी या हिंदी भाषा में बात करते हैं तो जिसे कहा जाता है दाई,
ठीक है, आजकल तो ये विलुप्त हो रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर्स ऑलमोस्ट वर्क करते हैं, लेकिन इन्हें ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मिडवाइफ कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के लिए क्या किया जाता है, एक डे मनाया जाता है जो इंटरनेशनली डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ। क्वेश्चन सिर्फ ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिंपल इतना बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आपका क्या रहता है, मे मंथ का एक डे रहा है, तो आपको यहां से बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ अगर हम बात करते हैं दाई का दर्जा और माताओं जो उनके लिए रही नवजात शिशुओं को जो पैदा करने में पहले हेल्प करती थी उन्हीं की याद में क्या किया जाता है, ये डे मनाया जाता है। अब आपको बताना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ डे कब मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आज का आपका आखिरी टेस्ट कोडिंग क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा, उस मल्टीमीडिया गाइड का नाम बताइए जिसे हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 रोग के बारे में बताया था। अब भाई यहां से सबसे पहले तो बहुत से ऐसे क्या हुए हैं, अभी इन्वेंशंस हुए हैं जिसमें बहुत सी चीजें लॉन्च की गई हैं हमारे साइंस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, लेकिन इन पांच में से सिर्फ एक ही वो नेम सही है जो अभी हाल ही में क्या है, आपके स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोविड-19 के रोगों के जो रोगी थे उनकी निगरानी के लिए क्या किया गया था, लॉन्च किया था उसे। तो सिंपल आप में से बताना है कि उसका नेम क्या रहा। ठीक है, मे बी कोविड कथा या कोविड कहानी जो भी है आप देख कर आइएगा कि इनमें से कौन सा लॉन्च किया गया है हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं बच्चों हमारी फर्स्ट आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपकी जो फर्स्ट रही वो रही पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। अगर हम बात करते हैं 1894 में लाहौर से ये क्या किया गया था, फाउंड किया गया था, और इसके फाउंडर कौन थे, लाला लाजपत राय और दयाल सिंह माजीथाला थे। ठीक है, अब यहां से आपको बताना जो करंट अफेयर रही वो देखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल एपन अभियान शुरू किया है, जिसका क्या नेम रहा, डिजिटल अपनयान। ठीक है, डिजिटल अपनायान क्या रहा है, उसका नेम रहा है। अब यहां से बात खत्म हो जाती है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन यही बनेगा, जो डिजिटल अपनायान कैंप है वो कौन से बैंक का रहा, आपको बताना होगा वो पंजाब नेशनल बैंक का रहा, उसके स्ट्रेटजी ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। और अगर हम बात करते हैं इस कैंप को लॉन्च किसने किया था, तो जो बैंक के एमडी हैं वो हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव, ये हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो वो इसके पीएनबी के एमडी रहे और उन्होंने क्या किया है, इसे लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपकी ओबिचुरी से, डेथ से रिलेटेड रही। अगर हम बात करते हैं बच्चों, जब मैं द इंडियन न्यूज़पेपर जो आपका रहता है उसमें क्या है, फ्रंट पेज पर काफी हाईलाइटेड ये न्यूज थे, इंपॉर्टेंट बन सकती है और मे भी बहुत इंपॉर्टेंट ये बनने वाली है, क्योंकि अगर हम इन पर्सन की बात करते हैं, ये क्रिकेटर भी रह चुके थे और अगर हम बात करते हैं किसी स्टेट राज्य के मंत्री भी रह चुके थे, दो तीन चीजें इनसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेटेड बनती है। तो देखिएगा, इनका नेम रहा चेतन चौहान। ठीक है, चेतन चौहान। अब देखिएगा न्यूज क्या है, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड उत्तर प्रदेश मिनिस्टर चेतन चौहान पास्ड अवे। ठीक है, हाल ही में कोविड-19 की वजह से इनकी डेथ हुई है। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश के जो मंत्री रहे थे, दूसरे जो इंडियन क्रिकेटर रहे थे चेतन चौहान, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। चेतन चौहान को 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ही वॉज द मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स। अगर हम बात करते हैं युवा और खेल मंत्री रहे थे कौन से, अगर राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन से कैबिनेट में, 2018 में, रिसेंटली की अगर कैबिनेट की हम बात करते हैं। तो यहां से पर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, आपको सिर्फ नाम याद रखना है चेतन चौहान। ये क्या थे, राजनीति में भी थे और फॉर्मर क्रिकेटर भी थे, पूर्व क्रिकेटर भी थे, जिनकी क्या है हाल ही में डेथ हो गई है। 1981 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक पर्सन की, अभी हाल ही में इन्होंने काफी पुरस्कार जीते हैं। अगर हम बात करते हैं, रेसर रहते हैं लुइस हैमिल्टन, काफी अगर बात करते हैं बड़ा नाम है, तो लुइस हैमिल्टन ने फिर से अपने नाम एक क्या कर ली है, जीत हासिल कर ली है। लुइस हैमिल्टन जो किसके, मर्सिडीज जो चलाते हैं, ब्रिटेन से ये संबंध रखते हैं। इन्होंने हाल ही में अभी फिर से क्या है, Formula 1 अगर बात करते हैं, F1 जो रेस रहती है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। फिर से एक न्यूज इनके अंडर ऐड कर लीजिएगा, जो पहले आपको लिस्ट दी गई थी, इसने अब टोटल 4 जीत लिए हैं इसी साल में, अभी 2 मंथ्स के अंडर लुइस हैमिल्टन सर ने। तो याद रखना है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स F1 फॉर्मूला रेस 2020 किसने जीती है, लुइस हैमिल्टन ने जीती है। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनेगा, कौन सी यहां से मर्सिडीज कार यूज करते हैं और ये ब्रिटेन से है। 3 क्वेश्चन हो गए,
और चौथी आपको याद रखना है, जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स थी वो कहां पर हुई थी, सर्किट डे ब्रिस्टोलेनिया कैटालूना स्पेन में, ये क्या की गई थी, होस्ट की गई थी, इसकी मेजबानी की गई थी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट बनी बनेगी बच्चों, क्योंकि अभी हाल ही में जैसे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस रही थी, तो उसी के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, संबोधित किया था, तब इसका जिक्र किया था। काफी सारी वैसे स्कीम्स का उन्होंने जिक्र किया था। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रही थी इसमें कि जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो रही थी कि वो अभी क्या करें, एक ऐसी स्कीम ला रहे हैं जिसमें जो क्या रहेंगी, हेल्थ वर्कर्स रहेंगी। अगर हम बात करते हैं जो महिलाएं रहेंगी, वुमेन एम्पावरमेंट रहेंगी, उन्हें क्या है, सैनिटरी पैड्स वितरित किए जाएंगे। सबसे पहले तो उसके कितने में, 1 रुपए में, ठीक है, ये अमाउंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी न्यूज जो बनकर आ रही थी बच्चों, वो आ रही थी OSOWOG, एक वर्ड यूज किया था OSOWOG, ये क्या है भाई, अब इसकी एक फुल फॉर्म रही वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। क्या रही बच्चों, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। सन से अगर हम समझ सकते हैं, अभी सबसे पहले सूर्य का अगर यूज हो रहा है तो वो सोलर प्लेट्स में कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड ये यूज रही थी। अगर बात करें इसकी न्यूज रही थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्लान, ठीक है, एक प्लान की घोषणा की। और देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं OSOWOG योजना को, सौर और अन्य नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधनों को साझा करने के लिए 3 चरणों में क्या किया गया था, क्रियान्वित किया गया था। अब याद रखना है यहां से, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं बच्चों इसके टोटल कितने चरण रहेंगे, तो इसके बच्चों रहने वाले हैं टोटल 3 चरण। 3 चरणों में इसे आगे वितरण किया गया है। पहला जो रहा वो रहा प्रथम चरण में भारतीय ग्रिड, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाओं को ग्रिड से जोड़ा जाएगा। दूसरा जो रहेगा द्वितीय चरण, उसमें सौर और अन्य नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधनों में समृद्ध अफ्रीकी क्षेत्र के देशों के साथ पहले चरण को राष्ट्र को कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद वैश्विक अंतर संबंध। सबसे पहले इसमें सिंपल समझा देती हूँ, OSOWOG जो प्लान रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उन्होंने कहा पहले चरण में हम क्या करेंगे, हमारे खुद के देश में इंडिया के जो पूर्वी हिस्सा रहा, दक्षिण एशिया हिस्सा रहा, उसमें क्या करेंगे, हर एक हिस्से में सौर ऊर्जा और नवीनकरणीय ऊर्जाओं का क्या करेंगे, वितरण करेंगे। दूसरे चरण में हम अफ्रीकी देशों से अपने संबंध, अगर बात करते हैं सौर ऊर्जा के मामले में, बढ़ाएंगे। और तीसरे में अगर बात करें तो क्या करेंगे, वो वैश्विक स्तर पर अगर बात करते हैं ग्लोबली इस पर काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट ने ये प्लान क्या किया है, डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अभी क्या है, हाल ही में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की समिट मीटिंग हुई थी। कौन सी हुई थी, 4th हुई थी। तो याद रखना है ब्रिक्स की, अगर हम बात करते हैं बच्चों ब्रिक्स की, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो 5 देश रहे, उनकी अभी क्या है, एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी। कौन सी रही थी, 4th हुई थी, और कहां पर हुई थी, रशिया में हुई थी। रशिया मॉस्को रूबल, रशिया की कैपिटल क्या रही, मॉस्को रही। रशिया के अगर बात करते हैं करेंसी रूबल रही। रशिया के हाल ही में प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। ये तीन चार चीजें आपको यहां से याद रखनी है। और अभी एक और ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4th मीटिंग कहां पर रही, रशिया में रही, ठीक है। उसके बाद जिस स्तर को वीडियो कॉन्फ्रेंस में आयोजित किया गया था, इस बार पेनेडेमिक COVID-19 के चलते ये क्या हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही, जिसमें ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत के प्रतिनिधियों ने क्या की, भागीदारी ली। और अगर बात करते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि क्या किया, उसका नेतृत्व किया। तो यहां से याद रखना है ब्रिक्स एंटी ड्रग जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई अभी 4th, उसमें इंडिया की तरफ से किसने भाग लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम बनेगा बच्चों, तो जो राकेश अस्थाना रहे, डायरेक्टर जनरल रहे, किसके, नारकोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो रहता है उसके MD रहे, उन्होंने अभी हाल ही में इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रही HDFC बैंक से रिलेटेड, उन्होंने लॉन्च किया है शौर्य KGC कार्ड। और सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट, ये किन के लिए किया गया है बच्चों, जो आपके मिलिट्री रिलेटेड पर्सन्स रहते हैं उनके लिए ये यूज में, उनके लिए ये किया गया है। और इस तरह का ये पहला कार्ड रहेगा इंडिया में, इसीलिए ये न्यूज क्या बन जाती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो याद रखना है HDFC बैंक ने सशस्त्र बलों के सदस्यों को शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है। सिंपल याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा शौर्य KGC कार्ड कौन से बैंक ने लॉन्च किया है,
HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो कार्ड सैन्य और अर्ध सैनिक पेशेवरों के लिए कृषि ऋण की पेशकश करेगा। 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों की कर्मियों को अपनी तरह का ये पहला उत्पाद दिया जाएगा। कितने कर्मियों को? 45 लाख को, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं उत्पाद औसत कार्ड के लिए 2 लाख के मुकाबले लाइफ जो आपका क्या रहेगा बच्चों, सिंपल लाइफ जो कवर रहेगा वो 10 लाख का इसमें अमाउंट रहेगा, और जो 2 लाख का क्या किया जाता है एन एवरेज कार्ड दिया जाता है। ऐसे जितने भी कार्ड रहते हैं उसको ऑलमोस्ट जो लाइफ कवर मतलब एक इन्वेस्टमेंट दी जाती है वो 2 लाख की दी जाती है, लेकिन इसमें क्या अमाउंट 10 लाख तक रहेगा, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, कितने 45 लाख कर्मियों को और 10 लाख तक इसमें क्या किया जाएगा अमाउंट कवर किया जाएगा। HDFC बैंक की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर रहा। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये इसकी क्या रहती है बच्चों, टैग लाइन रहती है। इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन रहा बच्चों, सिर्फ इतना याद रखना है येलो चैन हाल ही में कौन से, अगर बात करते हैं किसने सरकार ने, कौन सी सरकार ने लॉन्च की है, तो येलो चेन किसकी रही है? नागालैंड की रही है। क्वेश्चन खत्म, सिर्फ इतनी सी न्यूज थी। नागालैंड सरकार ने येलो चेन केंद्रित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है? जहां पर कॉमर्स, सिंपल क्या होता है, जहां पर ट्रेडिंग होती है, सेल परचेज होते हैं, जहां पर क्या होता है बच्चों, विक्रेता भी होते हैं क्रेता भी होते हैं, उन्हीं के लिए एक ई प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नेम रहा येलो चेन। और ये कौन सी सरकार का रहा है? नागालैंड सरकार का रहा है। नागालैंड के चीफ की बात करें तो निफ्यू रियो है चीफ, अगर बात करें सीएम की, और नागालैंड के आरएन रवि क्या है बच्चों, गवर्नर है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, हरभजन, सबसे पहले तो सिंपल सी न्यूज रही, हरभजन सिंह भाई इनको पिक्चर में देखकर आप समझ गए होंगे, अमृतसर बेस्ड ये क्रिकेट प्लेयर हैं। हाल ही में इन्हें एज एन ब्रांड एंबेसडर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, किसके भाई, देखिएगा, ई बाइक गो के, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का नेम बन सकता है क्योंकि ये पहली ऐसी कंपनी रही है जिसने क्या किया है, एक ऐलान किया है कि 2022 तक जितने भी व्हीकल्स हैं हम उनमें 10% तक जितने भी रहेंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या कर देंगे कि ऑलमोस्ट पर्सन के पास होंगे। इनका कहना है कि अगर रोड पर 100 व्हीकल टोटल हैं तो उसमें से 10 आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेंगे, ये न्यूज रही है। तो आपको याद रखना है ई बाइक गो के हाल ही में ब्रांड एंबेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है, हरभजन सिंह को किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, आयुष फॉर इम्यूनिटी अभी हाल ही में एक लॉन्च किया गया है कैंप, और जो किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किया गया है। आयुष ऑफ इम्यूनिटी कैंप किसने लॉन्च किया, आयुष ने किया है। और इस अभियान की अगर हम बात करते हैं, एक वेबिनार के दौरान शुरू किया गया था जिसमें 50,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी ली थी। आयुष मंत्रालय द्वारा अपने नए डिजिटल संचार मंच आयुष वर्चुअल कन्वेंशन सेंटर AVCC मोस्ट इंपोर्टेंट मानेगा, इसी के तहत क्या है, आयुष फॉर इम्यूनिटी कैंप लॉन्च किया गया था, किसके अंडर, आयुष वर्चुअल कन्वेंशन सेंटर के अंडर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर आयुर्वेदा योगा और जो आपकी नेचुरोपैथी रहती है, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी, तो वो कौन है, श्रीपद यशो नायक सर हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेट टू यू ऑल आर अपकमिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिनका आंसर बहुत अच्छा था। सिंपल सा बच्चों, सिंपल ये कल के जो आपके क्लास के, नहीं परसों के जो क्लास के बच्चे रहे थे उनका है। अब थोड़ा क्या होगा कि डिले रहेगा क्योंकि बच्चे पहले ये आ जाती थी उनकी कि मैम हमारा, हमने भी आंसर दिया था, आपने नेम क्यों नहीं दिया। तो जो आज बच्चे आंसर करेंगे उनका कल नहीं परसों की क्लास में नेम अनाउंस होगा, ठीक है। इतना सा ध्यान में रखना क्योंकि फिर बच्चों को टाइम मिल जाता है काफी, जो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मतलब नहीं देख पाते टाइम पर। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेट टू यू ऑल। और अब हम बात कर लेते हैं आज के होमवर्क की। सबसे पहले आज का होमवर्क था आशियान क्या है। आसियान के सबसे पहले तो मेंबर्स देख लीजिए, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनोई, कंबोडिया, म्यांमार जिसे बर्मा भी कहा जाता है, और लाओस, ये इसके क्या रहे, मेंबर कंट्रीज रहे हैं। 8 अगस्त 1967 को ये फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में। अगर हम आसियान की बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म रहती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। ये टोटल जिसको, जो इसके मेंबर्स हैं उनको दिखाया गया है इसमें। आसियान एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसमें दक्षिणी पूर्व एशिया के 10 देश शामिल हैं जो अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देते हैं और एशिया में अपने सदस्यों और अन्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सैन्य, शैक्षिक, सामाजिक और सामाजिक एकीकरण की सुविधा को प्रदान करते हैं। ये टोटल आसियान का वर्क रहता है और 10 इसमें मेंबर हैं। 8 अगस्त 1967 को ये फाउंड किया गया था। अब आपको आज देखकर आना है जो हाल ही में हमने ऊपर देखा था ब्रिक्स, ब्रिक्स से रिलेटेड आपको जो अभी एंटी डोपिंग एक समिट रही थी 4th नंबर की। अब आपको आज का क्वेश्चन यही रहेगा, ब्रिक्स के बारे में आपको स्टैटिक क्वेश्चन जितना भी हो सकता है आपसे कवर करके आना है।
ठीक है। और अगर हम बच्चों पीडीएफ की बात करते हैं तो जीके बाय प्रदीप सर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, वहां से आपको क्या है इसकी पीडीएफ एज इट इज आपको मिल जाएगी। और अगर बात करते हैं आज के 10 क्वेश्चन के आंसर के बच्चों, वो आपके कल की वीडियो में क्या किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे। ओके, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है और अगर प्रॉब्लम फेस की है, कुछ चीज समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखिए, वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टाटा, टेक केयर।